वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा तो पूरे विश्व में आंकड़े ही बदल गए। पूरे विश्व में विभिन्न देशों के बीच में साझेदारी और व्यापार पर खासा असर पड़ा। इस बीच सवाल ये उठने लगा कि जब पूरा विश्व दो धड़ों में बंट चुका है और व्यापार बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है, आर्थिक व्यवस्था चरमराई है या फिर बहुत बड़े स्तर पर बदली है, तब भारत और चीन के बीच में व्यापार कैसा चल रहा है। तो इसे लेकर सवाल लगातार आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। जवाब इसका केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दे दिया है। जानकारी यह मिली है कि भारत और चीन के बीच में व्यापार घाटा पहले के मुकाबले बढ़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा इस वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 51.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। खुद सरकार ने इसकी जानकारी संसद में दी। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें भारत चीन की अर्थव्यवस्था और दोनों के बीच में हुए ट्रेड को लेकर काफी जरूरी जानकारी साझा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले पर जानकारी देते हुए संसद को बताया कि साल 2020-21 में व्यापार घाटा इस अवधि में 44.03 बिलियन डॉलर था। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 73.31 बिलियन डॉलर हो गया था। वहीं इस वित्त वर्ष में यह अब तक 51.5 बिलियन डॉलर रहा। सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक भारत चीन के बीच 60.27 बिलियन डॉलर का आयात हुआ। भारत से चीन के बीच आयात केवल 8.77 बिलियन डॉलर का ही हुआ। ऐसे में भारत को पूरे 51.5 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा चीन के साथ हुआ है। पीयूष गोयल ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत से चीन के बीच निर्यात में वित्त वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक में 78.2% की बढ़त दर्ज की गई। इन सालों में यह 11.93 बिलियन डॉलर से बढ़कर 21.26 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। वहीं आयात की बात करें तो ये इस अवधि में 60.41 बिलियन डॉलर से बढ़कर 94.57 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार लगातार कई जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार चीन से व्यापार घाटे को कम करने के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रही है। सरकार देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटी है। इसके लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी शुरू किया। इससे देश की निर्भरता सामान के लिए चीन पर कम होगी। फिलहाल मौजूदा समय में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हो रही है, व्यापार घाटे की हो रही है और खासतौर पर भारत चीन संदर्भ में इसे देखा जाता है, तो दोनों देशों के बीच में व्यापार घाटा इस वक्त बढ़ रहा है। फिलहाल कोशिश भारत सरकार की यही है कि चीन पर भारत की जो निर्भरता है उसे सीमित और कम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास तौर पर फोकस किया जाए, क्योंकि ये बीते कई सालों में देखा गया है कि किस तरीके से चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया है। हालांकि कोरोना के वक्त में हमने ये भी देखा कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्तर पर झटका लगा है, जिसका खास तौर पर परिणाम भी हमने देखा है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेकर जो कंपनियां वहां पर स्थापित हैं, वो समय समय पर इसे लेकर कई जरूरी फैसले भी अपने देश और अपनी कंपनी को लेकर ले चुकी हैं, जिसमें उन्हें यह महसूस हुआ कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन में उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को नुकसान पहुंचा है, जिसमें वो एशिया में अपनी यूनिट को शिफ्ट करने की ओर ध्यान दे रही हैं और इसके लेकर कोई जरूरी फैसला भी ले सकती हैं। ऐसे में अगर एशिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंपनियां शिफ्ट करने पर विचार करती हैं, तो निश्चित तौर पर चीन का एक बहुत जरूरी और मजबूत विकल्प इन देशों के लिए भारत हो सकता है। लेकिन ये बहुत लंबे वक्त की बात है। इन सब के बीच में फिलहाल तो कोशिश भारत सरकार की यही है कि चीन पर भारत की जो निर्भरता है उसको घटाया जाए और ठीक इसी तरीके से जो व्यापार घाटा है इसे सीमित और कम किया जाए, जो अभी फिलहाल के लिए बढ़ रहा है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।